BGS 2024 इन गेम क्वालिफायर्स के मैचेस एंड हो चुके हैं। चाहे आपके गेम्स कैसे भी गए हो, BGMI e-sport के अंदर अगर आप एंटर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए एक रियलिटी चेक हो सकता है। लगभग 5-6 साल में कंटेंट बना रहा हूँ। 2019 से जब से e-sport ग्रो होना चालू किया तब से मैंने क्लोजली e-sport को फॉलो किया है। ऑफिशियली अगर आप e-sport के अंदर एंटर करना चाहते हो एंड रिकॉग्नाइजेशन अगर आपको चाहिए तो आपको ऑफिशियल टूर्नामेंट के अंदर क्वालिफाई करना पड़ेगा एंड ऑफिशियल टूर्नामेंट साल में 1 या 2 बार हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहला आता है ओपन टू वर्ल्ड टूर्नामेंट, मतलब हर कोई इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है एंड सिर्फ टॉप 1024 टीम्स ही आगे के राउंड्स के लिए क्वालिफाई होते हैं। एंड यहीं पर ही आता है सबसे पहला पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी। तो आज के डेट से पहले ट्रांसपेरेंसी काफी ज्यादा बढ़िया था। अगर 2019 की बात करूं तब PMCO का हमें ओपन टू वर्ल्ड टूर्नामेंट देखने को मिला था, जहां पर मैं पार्टिसिपेट भी किया था। मेरे चैनल के अंदर वीडियो भी है, जहां पर एक प्रॉपर रूम दिया जाता था खेलने के लिए, जहां पर सारे टीम जो रजिस्टर करेंगे उनके लिए एक अलग सा लॉबी बनाया जाएगा एंड आपको आपके जो स्टैंडिंग है वो भी पता चलेगा। पर अब उतना मेहनत कौन करे, अभी सिर्फ आपको बोला जाता है कि क्लासिक के अंदर 15 मैचेस खेले, उनमें से टॉप 10 बेस्ट मैचेस आपके काउंट होंगे। किस बेसिस में काउंट होगा ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है, इतना बड़ा रूल बुक है, आप कहीं पर भी देख लो। सिर्फ आपको इतना ही बोला जाता है इन गेम क्वालिफायर्स रिलेटेड कि आपको बस मैचेस खेलना है नॉर्मल क्लासिक मोड के अंदर। अब कितने किल्स करने हैं, कैसे सर्वाइव करना है, कितना चिकन डिनर लेना है, कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो अगर आपका टीम सिलेक्टेड होता है नेक्स्ट राउंड के लिए तभी आपके पास मेल आएगा, अगर आप सिलेक्टेड नहीं होते हो तो आपके पास कोई भी मेल नहीं आएगा। मतलब आपको ये क्लियरिटी नहीं रहेगा कि किस कारण के चलते आप क्वालिफाइड नहीं हुए। तो लैक ऑफ क्लियरिटी के चलते कुछ लोग आपको ये बताएंगे कि 35 से लेकर 40 एवरेज किल मस्ट है, साथ ही साथ 10 चिकन डिनर लेना ही लेना है। एंड कुछ लोग आपको ये बताएंगे 8-9 चिकन डिनर से भी चलेगा पर 45 के एवरेज किल आपको रखना है। तो सबसे पहले तो इन गेम क्वालिफायर का जो इकोसिस्टम है BGMI को ठीक करना चाहिए। एंड पिछले बार 2023 के अंदर हद ही हो गया था कि BGIS के अंदर जो लोग सिर्फ रजिस्टर किए थे, मैचेस बिल्कुल नहीं खेले थे, उनके पास भी मेल आ गया था कि वो लोग BGIS के लिए क्वालिफाई है। एंड कुछ लोग 35 से 40 एवरेज किल के साथ चिकन डिनर लेके भी क्वालिफाई नहीं हो पाए थे। तो जिस गेम को आप प्यार करते हो, जिसके स्पोर्ट के अंदर आप एंटर करना चाहते हो, सबसे पहले राउंड इन गेम क्वालिफायर्स के अंदर ही आप काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो सकते हो। तो सेकंड जो डार्क रियलिटी है BGMI के स्पोर्ट के अंदर, चीटर्स एंड हैकर्स। 2024 के अंदर आके भी BGMI पूरी तरीके से चीटर फ्री गेम अभी तक नहीं हुआ है। उसी तरह अगर आप पबजी मोबाइल के अंदर देखते हो, एंटी चीट सिस्टम काफी बढ़िया है। अभी पबजी मोबाइल के अंदर उतना चीटर एंड हैकर देखने को नहीं मिलता है, पर 2019 के अंदर पबजी मोबाइल के अंदर पहली बार सर्वर हैक देखने को मिला था। 2024 के अंदर आके भी सेम सर्वर है हमें BGMI के अंदर देखने को मिल रहा है। एंड BGIS का जो e-sport के अंदर जो ग्राइंड अभी चल रहा है उसके अंदर भी काफी सारे टीम बैन हो रहे हैं चीटिंग के चलते। मतलब इतने बड़े टूर्नामेंट के अंदर इतना आगे जाके इनवाइटेड स्लॉट मिलके भी लोग चीटिंग कर रहे हैं एंड ऑफिशियल को पता ही नहीं है इसके बारे में, तो ये कैसा e-sport इकोसिस्टम है। तो एक जेन्युइन तरीके से अगर इन गेम क्वालिफायर रहता तो मिनिमम से मिनिमम जो नॉर्मल एवरेज प्लेयर्स है 35 से लेकर 40 एवरेज किल निकाल सकते हैं। एंड मैक्सिमम जो भी टीम BGIS के अंदर क्वालिफाई करते हैं इन गेम क्वालिफायर से, जिनका किल आप देख तो 45 से लेके 50 एवरेज रहता है, उनमें से ज्यादातर लोग जादू का यूज करते हैं, ये तो कंफर्म है। क्योंकि 15 में से 10 से 12 मैच के अंदर 50 एवरेज किल के साथ नहीं क्वालिफाई कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट तक बिना थीम मोड के उतने बंदे अलाइव नहीं रहते हैं। अब चाहके भी मैक्सिमम से मैक्सिमम 35 से लेके 40 ही एवरेज किल कर सकते हो। एक दो मैच के अंदर हो गया कि अच्छा लॉबी आ गया तो 45 जा सकता है। तो जब तक ये चीटर्स पूरी तरीके से बैन नहीं होता है तब तक जो अंडरडॉग प्लेयर्स है उनको उतना रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलेगा, जो लोग एकदम जेन्युइनली आगे e-sport के अंदर आना चाहते हैं। तो BGMI को अगर e-sport इकोसिस्टम बड़ा करना है, अगर सच में ही अंडरडॉग्स को चांस देना है, तो सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना पड़ेगा, एटलीस्ट स्टैंडिंग पता चले लोगों को कि कहां वो स्टैंड करते हैं, किसके वजह से वो लोग क्वालिफाई नहीं हो पाए, ताकि वो अगली बार उतना ही मेहनत करके उन सारे चीजों को फिक्स करके क्वालिफाई करने की कोशिश करे। दूसरा भाई, चीटर्स को पूरी तरीके से बैन करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ ना कुछ हो सकता है। तीसरा पॉइंट आता है डिवाइस। अगर आपके पास एक iOS डिवाइस या फिर मैक्सिमम एक 60 FPS बढ़िया सा एंड्रॉइड डिवाइस नहीं है, तो ये हार्श रियलिटी है कि आप e-sport के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। मान लो आप इन गेम क्वालिफाई भी कर लिए, पर उसके बाद जो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के मैचेस होंगे उसके अंदर आप और सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आपका टीम का परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं रहेगा। तो जो लोग आपको बताते हैं कि डिवाइस मैटर नहीं करता, ऐसा नहीं है, गेम अभी डिवाइस ओरिएंटेड हो चुका है। एंड इसके बाद तो भाई 120 FPS भी देखने को मिलेगा, तब तो भाई लो एंड डिवाइस पूरा एंड ही हो जाएगा। तो जितना बढ़िया आपके पास डिवाइस है उतना ही बढ़िया आप खेल पाओगे, ये हार्श रियलिटी है एंड ये आपको कोई नहीं बताएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्फ्लुएंस। अगर आप किसी प्लेयर का लाइफस्टाइल देख के, सैलरी देख के इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, आप भी सोच रहे हो कि आपको भी स्पोर्ट के अंदर एंटर करना चाहता है, एक चीज बता दो, मैक्सिमम जो टॉप 1% के प्लेयर है जिनके सैलरी लाइफस्टाइल देख के आप इन्फ्लुएंस हुए हो, ज्यादातर लोग फर्स्ट मूवर थे जो कि 2018-2019 से स्टार्ट किए थे एंड उस टाइम भाई गेम का नॉलेज किसी को भी उतना बढ़िया नहीं, पर उस टाइम उन लोगों के पास डिवाइस था, अपॉर्चुनिटी था, साथ ही साथ उनका अलग अलग गेम से एक्सपीरियंस भी था कि इस गेम को कैसे खेलना है, इसके चलते वो लोग फर्स्ट मूवर थे इस गेम के एंड इसलिए आज वो इतने बड़े स्टेज के अंदर है। एंड उनमें से ही काफी सारे ऐसे e-sport प्लेयर है जो कि e-sport के हार्श रियलिटी के रिलेटेड काफी सारे चीज बताते हैं। तुमको लगता है कि e-sports में पैसा है? मैं खेला हूं ना, मैं तुमको एक जनरल बात बताता, पैसा है
उनको जो सैलरी मिलती है ना 1.5 लाख रुपए पकड़ो 2 लाख रुपए वो एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम है तुम्हारा, उसके सिवाय तुम्हारे को घंटा कुछ नहीं मिलता। अब मैं तुमको मैं मेरा पर्सनल बता दूं, मैं पिछले 4 या 5 साल से खेला हूँ, क्या मिला मेरे को सिर्फ सैलरी मिली, उसके सिवाय मैंने 1 रुपया नहीं कमाया था ई-स्पोर्ट्स से। टूर्नामेंट के पैसे नहीं आते भाई, मेरा INDI का पेमेंट पेंडिंग है, मेरा EXO का पेमेंट पेंडिंग है, सब कुछ मिलाएगा ना तो हैवी पेमेंट है भाई, सिर्फ आपका या सबका, दूसरों का मेरे को लेना देना भाई, मेरा पैसा तो नहीं आया। INDI से मेरा टूर्नामेंट का पैसा, मेरी सैलरी दोनों नहीं आई, EXO से मेरी सैलरी सब कुछ क्लियर है, बस मेरा टूर्नामेंट के प्राइजेस क्लियर नहीं हुए, बहुत सारे टूर्नामेंट के प्राइस फुल बाकी है भाई, मेन पैसा ई-स्पोर्ट्स प्लेयर के अर्निंग यही आती है भाई। तो किसी से इंस्पायर होना बढ़िया है पर इन्फ्लुएंस मत हो जाना, क्योंकि बाहर से जो दिखता है अंदर से ऐसा होता नहीं है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, गेम का क्रेज। अगर आप BGMI के ई-स्पोर्ट के अंदर एंटर करना चाहते हो तो सबसे पहले देखना रहेगा इस गेम का क्रेज कितना है, क्योंकि इंडिया के अंदर आपने देखा होगा क्रिकेट का क्रेज जितना ज्यादा है फुटबॉल का क्रेज उतना ही कम है। इसी तरीके से BGMI का क्रेज ई-स्पोर्ट के अंदर अभी काफी ज्यादा है, पर पहले के मुकाबले अभी काफी ज्यादा कम भी हो चुका है। पबजी मोबाइल के स्टार्टिंग के टाइम से जो क्रेज था, पबजी मोबाइल इंडिया के अंदर बैन होने के बाद उसका क्रेज काफी हद तक डाउन हुआ, फिर जब BGMI रिलॉन्च होता है तब उसका क्रेज और भी ज्यादा बढ़ता है, एंड सेकंड टाइम बैन होने के बाद BGMI का क्रेज जो है काफी हद तक डाउन हो चुका है। एंड BGMI के अंदर लैक ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, चीटर्स एंड काफी और भी रीजंस के चलते जो मैक्सिमम OG प्लेयर्स थे, जो लोग Season 3-4 से गेम को स्टार्ट किए थे खेलना, वो लोग अभी गेम को धीरे धीरे छोड़ के जा रहे हैं। तो BGMI ई-स्पोर्ट का जो OG व्यूअरशिप था 2019 से लेकर 2022 तक BGMI सेकंड टाइम बैन होने से पहले, वो अभी धीरे धीरे कम हो रहा है, एंड इसका मेन रीजन है मैक्सिमम लोग अभी बड़े हो चुके हैं, गेम के अलावा उनका भी एक अलग सा लाइफ है, काफी लोग जॉब जा रहे हैं, काफी लोग अभी हायर स्टडी को फॉलो कर रहे हैं। तो यहीं पर आता है नेक्स्ट पॉइंट, आपका एज लिमिट काफी हद तक मैटर करेगा अगर आप BGMI ई-स्पोर्ट के अंदर एंटर करना चाहते हो। तो रूल बुक के हिसाब से आपका एज 16 साल होना चाहिए तभी आप ऑफिशियल टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, एंड मेरा भी रिकमेंडेशन यही रहेगा अगर आपका एज है 16, 17, 18 से लेके 21 तक तो आप अपना लक ट्राई करके देख सकते हो ई-स्पोर्ट के अंदर। एंड इसका मतलब ये नहीं कि आपको एकदम स्टडी छोड़ के ई-स्पोर्ट के अंदर ही फोकस करना है, साइड बाय साइड आपको ई-स्पोर्ट के अंदर आप एंटर कर सकते हो, खेल सकते हो, क्योंकि इंडिया के अंदर अभी तक ई-स्पोर्ट उतना ज्यादा स्टेबल नहीं हुआ है कि आप एक अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो ई-स्पोर्ट के थ्रू। तो स्टडी करते करते साइड बाय साइड 2-3 घंटा निकाल के आप ई-स्पोर्ट के अंदर अपने टीम के साथ पार्टिसिपेट ले सकते हो। एंड अगर आप सोच रहे हो कि स्टडी को छोड़ के ई-स्पोर्ट को फॉलो करना है तो एक चीज मैं आपको याद दिला दूं, ये भी एक हार्श रियलिटी है कि इंडिया के BGMI के ई-स्पोर्ट के अंदर जो टॉप के 32 टीम्स है उनमें से अगर 5 प्लेयर करके भी मैं पकड़ता हूं तो सिर्फ 160 बंदा ही सही तरीके से अर्न कर पा रहा है जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर साइंड है। तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो एक जेन्युइन अंडरडॉग प्लेयर्स है, मतलब आपका कोई सोर्स नहीं है, आप किसी को जानते नहीं हो एंड आप ई-स्पोर्ट के अंदर एंटर करना चाहते हो बिना जादू के। तो ये कुछ हार्श रियलिटी था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो ये वीडियो बिल्कुल भी किसी को डिमोटिवेट करने के लिए नहीं था, अगर आपका इंस्टिंक्ट कहता है कि आपको ई-स्पोर्ट प्लेयर बनना है, ई-स्पोर्ट के अंदर ट्राई करना है, मैं भी बोलूंगा कि ट्राई करो, अगर आपका एज है जरूर से ट्राई करके देखो। एंड एक पॉजिटिव साइड के ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि कैसे आप ई-स्पोर्ट के अंदर एंटर कर सकते हो, टीम बिल्ड कर सकते हो, कैसे आप मैचेस खेल सकते हो। तो अगर आपको वीडियो चाहिए कमेंट के अंदर जरूर बता देना, एंड इस वीडियो को जरूर से अपने BGMI फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो भी ई-स्पोर्ट के अंदर एंटर करना चाहते हैं। बाकी जाते जाते वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए। तो चलो फिर मुलाकात होगा और एक नया वीडियो के साथ, बाय।